आज जब उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं यूपी पुलिस द्वारा रात के अंधेरे में परिवार की गैर मौजूदगी और असहमति के बावजूद रात 2:30 बजे पीड़िता के सबका दाह संस्कार किया जाना और भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में हुई इस घटना पर पुलिसकर्मियों और सत्ताधारी भाजपा के लोगों द्वारा अब कुतुर्कों से निर्मित कई बातें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सूर्योदय तक यह मामला और बढ़ जाएगा और इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। ये बेहद शर्मनाक है। सबसे पहले तो अपराधियों के बढ़े हुए इरादे ही योगी सरकार की व्यवस्था की पोल खोल देते हैं। इस पर इलाज का अभाव और अब यूपी पुलिस की ये शर्मनाक और अमानवीय कार्यवाही नागरिकों को डराने वाली है। ऐसे में पुलिस सुधारों पर चल रही बहस ने फिर तेजी पकड़ ली है। दरअसल पुलिस बल किसी राज्य द्वारा तैनात और अधिकार दिए गए व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का काम करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में ताकत का जायज उपयोग भी शामिल है, जबकि सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में पुलिस व्यवस्था अपना स्वरूप खो चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही यह मान लिया गया कि प्रशासनिक मशीनरी अपने आप स्वस्फूर्त समाज उन्मुख हो जाएगी, लेकिन जब राजनीतिकताओं का चरित्र भी कोई खास नहीं बदला तो नौकरशाही या पुलिस तो कैसे बदलती। पुलिस सुधार केवल 21वीं सदी की जरूरत नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही इसमें सुधार की लगातार गुंजाइश है, जो समय के साथ और बढ़ती चली गई। एक मजबूत समाज अपनी पुलिस की इज्जत करता है, उसे सहयोग देता है, वहीं एक कमजोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्रायः उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना तो वर्ष 1977 में कर दी गई थी, लेकिन पुलिस सुधारों की चर्चा को जीवंत रखने और शीर्ष न्यायालय में ले जाने का श्रेय प्रकाश सिंह को जाता है। वर्ष 1996 में पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने 1977 से 1981 के पुलिस आयोग की भुला दी गई सुधार सिफारिशों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम जैसे कानून व्यवस्था के लिहाज से मुश्किल माने जाने वाले राज्यों में पुलिस महकमे के मुखिया के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख भी थे। अतः यह स्वाभाविक है कि कानून व्यवस्था को सक्षम बनाने की राह में व्यवस्थाजन्य बाधाओं को वे बखूबी समझते होंगे। प्रकाश सिंह की पहल से 10 वर्ष में आए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुलिस को राजनीति और नौकरशाही के बेजा दबावों से मुक्त करने पर बल दिया। हालांकि इन निर्देशों का तमाम राज्यों और केंद्र ने भी अब तक सद्यम अनुपालन ही किया है। हाथरस जैसी घटना में समाज के नैतिक मानदंडों की असफलता के बाद सबसे बड़ा हाथ इसी पुलिस और प्रशासन की अक्षमता का है। समाज की सोच बदलना वर्षों का विषय है, पर पुलिस सुधार सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। पुलिस सुधार और शासन की जवाबदेही के बिना बलात्कार या ऐसा कोई भी जघन्य अपराध रोकना वैसे ही है जैसा पाकिस्तान से शांति और अमन की उम्मीद करना। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।